So hi everyone, welcome to my channel, and for today we will be starting with It Must Flow, A Life in Theatre. So it is an autobiographical account of Habib Tanveer, and first of all we will be learning with the objectives, that what are the objectives of this text. So it is a loose autobiographical account of Habib Tanveer life in theatre with prompts from interview Anjum Katyal and Biren Das Sharma. So ये जो टेक्स्ट है और इनका जो मेनली टाइटल है ये तनवीर जो है जो हबीब तनवीर है उनके रिकलेक्शंस के बारे में बताते हैं, उनकी अर्लीस्ट मेमोरीज के बारे में. ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट होता क्या है, उस इंसान की पूरी लाइफ जर्नी फ्रॉम द टाइम जब उनका जन्म हुआ टिल द टाइम उनकी डेथ हुई. बट इसमें आपको डेथ तक का तो नहीं, बट आपको उनके होल रियल लाइफ बता रखी कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी. लाइक देयर आर टाइम्स कि जब उनकी वेडिंग हुई मतलब शादी हुई और शादी के बाद जब उनकी लड़की हुई थी तो उस समय तक उनके पास इतना फूड भी नहीं था जो कि वो अपने बच्चे को भी खिला सके. उसके बाद उन्होंने राज्यसभा अगर आई थिंक ज्वाइन किया था उसे, एंड उससे भी और हम पढ़ने वाली हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि उन्होंने जो है द टेक्स्ट लाइक द टाइटल फ्लोज द तनवीर रिकलेक्शन ऑफ अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ थिएटर एंड उनकी जो जर्नी है थ्रू पियोनियरिंग डेज ऑफ इंडियन सिनेमा इन प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे. तो ये टेक्स्ट है, ये भी पता चलता है मेरे को कि ये तब का टेक्स्ट है जब प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे के बारे में, जब बॉम्बे को जो है इंडिपेंडेंस वगैरह नहीं मिली थी एंड वो यूरोप भी गए थे. एंड क्यों गए थे, किस लिए गए थे, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. बट एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी गाई थी जो कि मुझे लगता है आपको शुरू में बता देना चाहिए. जब वो यूरोप से वापस इंडिया आए थे तो उनको कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि वो इंडिया वापस आएंगे. बट वो क्यों आए वापस इंडिया, इज जस्ट बिकॉज उनको लगता था कि इंडिया को जो है लाइक पीपल जो भी इंडिया के लोग हैं कहीं के भी लोग हैं उनको अपनी मेन मतलब जहाँ के वो बिलोंग करते हैं उनसे उसको जो लिंक रहना चाहिए. सो डैट इज़ वाई उन्होंने जो वापस मतलब वापसी आए थे टू इंडिया फ्रॉम यूरोप. एंड वो मेनली यूरोप के लिए दो रीजन्स के आई थिंक मोस्ट पर्पस जो उनका था वो यही था, फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकेंड इज जॉब पर्पस. सो इसका अगर इंट्रोडक्शन पढ़े, सो जो हबीब तनवीर थे ही वॉज अ प्ले राइट एंड थिएटर डायरेक्टर, ही वॉज अ पोइट एन एक्टर अ जर्नलिस्ट जो कि उन्होंने फ्रीलांसिंग भी कर दी जर्नलिस्ट की एज अ बिकॉज उनको जब मनी की कुछ कमी वगैरह पड़ रही थी उस समय. ही वॉज स्क्रीन राइटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिटरेरी क्रिटिक. सो नाचा, सो नाचा जो है एक रखने न्यू वर्ड होने वाला है. सो मतलब नाचा ये जो ट्रेडिशनल रूरल फेस है फार से मिली प्ले जो कि किया जाता है छत्तीसगढ़ रीजन ऑफ इंडिया. ये एक सेकुलर फॉर्म है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर एक रीजन के बेस रिलीजन के बेस में नहीं है कि लाइक ये हिंदूज का ये मुस्लिम्स का ऐसा कुछ नहीं है. ये ओवरऑल हर रिलीजन आप जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं. इस नाचा लाइक ये जो नाचा है इसमें क्या क्या चीज़ें कंबाइन होती है, तो इसमें होता है सॉन्ग डांस एंड ड्रामा. इट्स टाइप ऑफ अ प्ले जिसमें प्ले जो होते हैं हमारे जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं उसमें ड्रामा होता है, डांस होता है एंड सॉन्ग होता है. एंड उसमें सॉन्ग्स भी बहुत टाइप के होते हैं, डांसेस भी होते हैं, मे बी फॉक डांस, मे बी सम अदर काइंड ऑफ डांस. सो बहुत सारे टाइप के डांस होते हैं. वो ये भी बताती है कि सॉन्ग और डांस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक नाचा ट्रेडिशन के लिए. एंड ऑल्सो टिपिकली जो एक्टर्स होते हैं वो अपने आपको डिवाइड कर लेते हैं. एंड फर्स्टली जैसे हम मूवीज में होते हैं जो एक्टर होता है जिसको कोई भी रोल अगर परफॉर्म करना होता है तो वो क्या होता है, पहले उसे स्टोरी लाइन पढ़नी होती है पूरी, मतलब पूरी एक वो पढ़ता है जो कि उसका रोल होगा. सो वैसे इसमें भी होता था कि जो भी लोग जो एक्टर्स थे उनको पहले स्टोरी लाइन पढ़नी होती थी एंड देन वो अपने हिसाब से जो उस लाइन्स को इम्प्रोवाइज कर सकते थे. एंड अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो जो है मतलब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, सो ट्राई करो कि अपनी जो सेटिंग्स में जाके 0.75 या 0.5 की प्लेबैक स्पीड आप कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव इज टिपिकली जो एक्टर्स है वो मतलब अपने आपको डिवाइड कर लेती थी हमने पढ़ा. एंड वेरियस फॉर्म्स जो है नाचा एग्जिस्ट जो है वो करती थी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़. जो स्टोरीज है वो मेनली परफॉर्म होती थी इन नाचा एंड डो नॉट यूजली बोरो फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, मतलब ये सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी की नहीं होती थी या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की रिलीजन की नहीं होती थी जैसे मैंने आपको बताया. आप किसी भी और रिलीजन को भी जो है एज अ प्ले में परफॉर्म कर सकते हो. और इसका जो मेन है दैट इज कॉमेडी जो है एक इंटीग्रल पार्ट था टू अ नाचा थिएटिकल परफॉर्मेंस. ऑल्सो इसमें एक चीज़ और बताई गई है लाइक अगर आप इनका भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो ये उनकी थी बिल्कुल जब लाइफ उनकी शुरू हुई थी. सो तभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि कॉमेडी जो एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक नाचा थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का. बट लेटर इन लाइफ जब उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी तो उस समय क्या हुआ था, उनकी जो ये सारी सोच है ये थोड़ी थोड़ी बदल गई थी, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. सो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. हबीब जो है वो रिजेक्ट करते हैं यूरोपियन थिएट्रिकल ट्रेडिशंस इन फेवर ऑफ मोर फ्लूइड एंड डायनेमिक थिएटिकल एक्सपीरियंस जो कि इनकॉर्पोरेट करते हैं दो एलिमेंट्स, फर्स्ट इज संस्कृत क्लासिकल थिएटर एंड द सेकेंड वन इज फोक थिएटर. सो ये दो थिएटर से आपको इनके नेम याद रखने हैं. एंड इन हिज ईयर मतलब इन हिज लेटर ईयर उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया था कि जो रसा है इज द ओनली यूनिटी जो कि एक इंसान को चाहिए, जो कि नीड है, जो कि एक मेन नीड है. रसा का मीनिंग क्या होता है, रसा मीनिंग इज नेक्टर और एसेंस.
और ये कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इन इंडियन आर्ट जिसमें मेरे क्या होता है कि जो रेफर करता है एस्थेटिक फ्लेवर ऑफ एनी विजुअल लिटरेरी और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, जो कि इवोक करते हैं इमोशंस फीलिंग्स इन अ रीडर और इन ऑडियंस। सो अगर आपको रीडर और ऑडियंस में फर्क नहीं पड़ा पता, सो दैट मीन्स रीडर इज जो रीड कर रहा है, ऑडियंस जो उसको विजुअलाइज कर रही है, जो उसे देख रही है, दैट इज ऑडियंस एंड रीडर्स में डिफरेंस। नाउ वी हैव इज ही इन्फ्यूज न्यू लाइफ टू इंडियन थिएटर एंड वो कंबाइन करते हैं क्लासिकल ट्रेडिशन एंड फोक ट्रेडिशन को, ताकि वो क्रिएट कर सके समथिंग जो कि बहुत ज्यादा यूनिक हो एंड रिफ्रेशिंग हो फॉर इंडियन। थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने मतलब इन हिज थिएटर, सो उन्होंने हबीब जो उन्होंने मेंटेन किया था एक सिंबॉलिक रिलेशन विद द फोक आर्टिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सो नाउ वी हैव इज सम तनवीर के कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक हबीब तनवीर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, लाइक आगरा बाजार, गांव का नाम ससुराल, देन मोर नाम दामाद, चरणदास चोर एंड साजापुर की शांतिबाई। और ये एक मतलब एक एडेप्शन है फ्रॉम द गुड वुमन ऑफ सेट जोन। सो अगर आप इसको रीड करोगे सो दैट इज सेट जोन। ऑल्सो इनके कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क थे दैट इज आगरा बाजार, मतलब दो तीन इनके मेन वर्क थे आगरा बाजार, और दूसरा था चरणदास चोर एंड तीसरा था साजापुर की शांतिबाई। चरणदास चोर के लिए जो इनका अवार्ड भी मिला था, उनको एक विन मतलब उन्होंने एक अवार्ड विन किया था, दैट इज फ्रेंच फर्स्ट अवार्ड, जो कि उन्हें मिला था 1982 में। एंड इसमें अगर आप इस टेक्स्ट में सबसे ज्यादा पढ़ोगे डैट इज ऑफ आगरा बाजार, एंड आपके लिए सबसे ईजी जो है वो नाम याद रखना होगा वो होगा गाँव का नाम ससुराल। सो आ जाते नेक्स्ट पे, डैट इज फॉर हिज वर्क उनको जो थिएटर में हबीब को जो है बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स मिले थे, सच एज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो कि उन्हें मिला था 1969 में, पद्मश्री जो कि उन्हें मिला था 1983 में, एंड संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो कि उन्हें मिला था 1996 में। ऑल्सो उन्हें पद्म भूषण मिला था 2002 में, एंड उन्होंने एज अ मेंबर सर्व किया था राज्यसभा में फ्रॉम 1972 टू 1978। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, जब उन्होंने राज्यसभा में एज अ मेंबर मतलब आई थिंक सर्व किया था, सो उस समय था वो एक टाइम था जब उनकी बेटी मतलब उनके पास इतना फूड भी नहीं था कि उनकी बेटी को जो था वो फीड भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब खाना वगैरह भी नहीं दे पा रहे थे। नाउ वी हैव अ समरी, सो इन दिस वी हैव पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट वन, देन जो कम इम्पॉर्टेंट है पार्ट टू एंड लेस इम्पॉर्टेंट है पार्ट थ्री, बिकॉज पार्ट थ्री इज द समरी ऑफ पार्ट वन एंड पार्ट टू मोस्टली। ऐसा नहीं है कि पूरी समरी है, बट यस मोस्टली। अब हम बात कर लेते हैं हबीब के बारे में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब उनका जन्म हुआ एंड क्या क्या हुआ उनके साथ। सो हबीब जो थे जब वो बॉर्न हुए थे उनके नेम था हबीब अहमद खान, उनके जो फादर थे डैट इज पठान फादर, एंड उनकी जो मदर थी डैट इज छत्तीसगढ़ी मदर। वो बॉर्न हुए थे छत्तीसगढ़ में 1923 में। सो दिस इज कि वो जब वो बॉर्न हुए थे। उसके बाद अगर बात करें उनके फादर की आइडियोलॉजी, उनके थॉट्स के बारे में फादर के, सो डैट इज उनके फादर जो थे एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस और ट्रेडिशनल मैन थे, और वो चाहते थे कि वो अपनी फैमिली में जो डिसिप्लिन लाइफ जो है वो इंट्रोड्यूस कर सके। वो एम्फोसाइज करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, एंड इसी चीज़ के लिए वो काफ़ी रिजिड भी थे। वो मतलब नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो किसी और चीज़ों में जाए इंस्टेड ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन। उनके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट स्टिल उन्होंने हबीब को कभी भी नहीं रोका था कि टू सी द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ थिएटर। मतलब उन्होंने कभी भी अपने बेटे को हबीब को नहीं रोका कि वो कलरफुल वर्ड देखे थिएटर का। स्टिल वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड वो इस चीज़ में नहीं चाहते थे उनके बच्चे उस चीज़ में जाए। अर्ली एज में जो है पारसी थिएटर्स डेट प्रीडोमिनेटली परफॉर्म उर्दू प्लेस। डिस्पाइट देयर फादर डिसअप्रूवल उनके जो एल्डर ब्रदर थे वो परफॉर्म करते थे इन एमेट्योर पारसी प्लेस जो कि हेल्ड होते थे एनुअली। अब एक चीज़ याद रखना, उनके फादर का चाहे कितना भी डिसअप्रूवल हो बट उनके एल्डर ब्रदर जो थे वो परफॉर्म करते थे एमेट्योर पारसी प्लेस में जो कि एनुअली हेल्ड होते थे। एंड मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि मोस्टली जो है वो किसके रोल प्ले करते थे, एक फीमेल का रोल प्ले करते थे। और जो कि आप सोचिए उस टाइम की बात है डैट इज ऑफ मे बी 1940s 50s 60s, इस टाइम की बात है ये। सो उस समय इतनी जल्दी मतलब बॉयज़ को एज अ फीमेल रोल का मतलब दर्जा चाहे मिल जाता था, पर मतलब वर्क मिल जाता था, बट लोग एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते थे। पारसी जो थिएटर था वो ट्रेडिशनल ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ था, मतलब ओरिजिनेट हुआ था मेनली लखनऊ में, एंड वो स्प्रेड हुआ अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में थ्रू प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन। सॉन्ग और जो डांस है ये इसके मेजर कंपोनेंट्स है एक प्ले के, एंड दैट इज यू नो ऑल्सो कि प्ले में सबसे ज्यादा चीज़ होते वो होते हैं सॉन्ग और डांस। अब एक चीज़ याद रखो इसमें, सॉन्ग और डांस में जो है सबसे ज़्यादा प्ले में इंपॉर्टेंट क्यों होते थे, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा टिकट्स बिकती थी, एंड अगर टिकट्स बिकती थी तो जितनी ज़्यादा टिकट्स बिकती थी उसकी वजह से जो एक्टर्स होते थे उन्हें बहुत लेट तक लाइक समटाइम्स रात को 11 PM तक भी वर्क करना पड़ता था, एंड जिसकी वजह से उनके फादर जो थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे तो वो इस चीज़ में अग्री नहीं करते। सो तनवीर जो थे फॉन्डली रिमेंबर करते हैं कि पारसी प्लेस में क्या क्या डिटेल्स होती थी, लाइक
सबसे पहले कर्टेन्स उठते थे जिसमें जो एक्टर उसके फीट शो होते थे द पैर, देन कलरफुल कॉस्ट्यूम दिखती थी, उसके बाद उनको एक ड्रामेटिक जो मेकअप शो होता था, देन एक स्टेज का डेकोरेशन किस स्टेज डेकोरेट कैसा है वो सब शो होता था, एंड लास्ट में क्या होता था जब भी किसी भी चीज़ की ओपनिंग होती थी वहाँ पे होता था कॉल्ड वंदना सॉन्ग, जो कि वंदना का जो सॉन्ग है वो एज अ लिसन किया जाता था। उन्होंने ये भी रिमेम्बर है, ये इंपॉर्टेंट है, ही रिमेम्बर्स दैट ऑफन द कॉमिक इंटरल्यूड्स आउटशाइन द मेन प्ले प्लॉट ऑफ द प्ले। सो दिस इज कि उनको ये चीज़ रिमेम्बर है कि कई बार क्या होता था कॉमिक के जो कुछ कॉमेडी सीन्स होते थे ना वो ज़्यादा आउटशाइन करते थे एज कम्पेयर टू द प्लॉट। एंड ये आजकल की मूवीज में भी होता है, कई मूवीज ऐसी होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है बट इन रियलिटी क्या होता है उसके जो म्यूजिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड तक भी फेमस हो जाते हैं। देन यू हैव इज दिस वन जो कि मैंने ब्लू से मार्क किया है, एंड दैट इज कि आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे रीड करना है। ब्लू का जितना भी मैंने मार्क किया है इस पूरी वीडियो में आई थिंक ये कुछ मार्क किया है मैंने, सो ये आपको खुद पॉज करना है और खुद रीड करना है। सो दैट इज दिस वन एंड दिस वन। सो अब आ जाते हैं पार्ट टू पे। सो नाउ यू हैव इज पार्ट टू। हबीब तनवीर जो है वो अराइव करते हैं दिल्ली में इन 1950s ताकि वो परस्यू कर सके अपना थिएटर एज अ क्रिएटिव मीडियम। इनिशियली उन्होंने वर्क किया था फॉर एलिजाबेथ गोवा स्कूल एज अ राइटर ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने इनिशियली कहाँ पे परफॉर्म किया था, मतलब किस चीज़ के लिए उन्होंने वर्क किया था, सो ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव इज इट इज़ विद आगरा बाजार, जैसे कि अब आगरा बाजार की यहाँ पे बात हो रही है कि जो तनवीर ने जो है एक डिस्टिंक्ट स्टाइल जो है वो डेवलप किया था। ही इनकॉर्पोरेटेड नॉन एक्टर्स, मतलब उन्होंने जो इसमें नॉन एक्टर्स जो कि एक्टर्स नहीं थे पहले, उन्होंने कभी भी एक्टिंग नहीं करी थी, उन्हें भी इस चीज़ में इनकॉर्पोरेट किया था, एंड उन्होंने भी इस चीज़ का जो फेवर दिया था ऑफ चेस्ट उर्दू एंड हिंदी। सो इसमें आगरा बाजार में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कुछ कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट है जो कि आप खुद भी रीड कर सकते हो। नाउ वी आल्सो हैव इज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं डायरेक्ट पहले रीड कर लेती हूँ। आस्क इफ तनवीर प्रेफर्स कॉमेडी और ट्रेजेडी। सो तब तनवीर हबीब तनवीर से पूछा गया डेट कि आप कॉमेडी ज़्यादा प्रेफर करते हो ट्रेजेडी। सो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, इनकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था डैट ट्रेजेडी जो है आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आप जो है लाइक शोकेस कर सकते हो, बट कॉमेडी जो है वो हमारे एक्टर्स में जो उनके में एक्टिंग में लोग जो थे उनके अंदर नेचुरल गिफ्ट है। सो दैट मीन्स कि वो ट्रेजेडी तो आप परफॉर्म कर सकते हो बाय रीडिंग और बाय लिसनिंग टू सम स्टोरी, बट कॉमेडी जो एक नेचुरल गिफ्ट था उन एक्टर्स में, उन्होंने ये चीज़ बताई थी। देन यू हैव इज इट इज क्लियर डेट तनवीर का जो इवोल्यूशन है एज अ प्लेराइट हैज़ बीन डीपली इम्पैक्टेड बाय द फोक एक्टर्स इन नया थिएटर। ऑल्सो इसमें यह बताया गया है आफ्टर द सक्सेस ऑफ आगरा बाजार तनवीर जो है वो वापस लंदन चले गए थे ताकि उन्होंने सोचा, क्योंकि अब उन्हें लगा था एज अ स्कॉलरशिप में गए थे वो, बट उन्हें यह लगा था कि इंडियन के जो थिएटर्स है अब उन्हें कुछ और कुछ नया नहीं सिखा सकते हैं, और उन्होंने क्या ज्वाइन किया RADA डैट इज रॉयल अकेडमी ड्रामेटिक आर्ट, जो कि लंदन में एक 2 ईयर्स का कोर्स था उन्होंने वो ज्वाइन किया। बट तनवीर को जो है वो फेडअप हो गए थे, उस चीज़ से वो परेशान हो गए थे क्योंकि उस कोर्स की बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी और वो एक साल में जो है उस कोर्स से परेशान हो गए थे। एंड इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि अगर वो कभी भी चीज़ किसी चीज़ को जो है ज़्यादा टाइम तक मे बी नहीं संभाल पाते थे तो वो दूसरी चीज़ पे मूव कर जाते थे। सीइंग दैट ये जो कोर्स है वो उनको कोई बेनिफिट नहीं कर रहा, उन्होंने जल्दी से क्या किया दूसरी अकेडमी ज्वाइन कर ली। ही लेफ्ट RADA एंड उन्होंने फिर स्टडी किया थिएटर में इन द ब्रिस्टॉल ओल्ड विक थिएटर स्कूल, दैट इज दिस वन, ये स्कूल का मैं नाम मार्क कर देती हूँ, दिस वन ब्रिस्टॉल ओल्ड विक थिएटर स्कूल। सो उन्होंने फिर इस स्कूल को ज्वाइन किया, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ लर्न करी डैट इज मास्क मेकिंग, स्टेज क्राफ्ट, राइटिंग एंड प्रोडक्शन एंड टेक्निकलिटीज जो कि हेल्प करेगी प्लेराइट्स में ताकि वो विदाउट फोर्सिंग एक सर्टेन स्टाइल को जो है लोगों को प्रेजेंट कर सके। अब दिस इज द मेन लाइन जो कि है जो कि आपको अच्छे से रीड करनी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको रट सकते जो भी करो, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस जो था ऑन हिम वॉज अ प्रोफेसर कॉल्ड डंकन रोज। सो उनके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस था उनके प्रोफेसर का डैट इज डंकन रोज का, और उन्होंने उसे क्या पढ़ाया। सो ये लाइन में पहले रीड करूँ डैट इज प्रोडक्शन इज टेलिंग अ स्टोरी, टेलिंग द स्टोरी इज ऑल द गेम इन प्रोडक्शन, इफ इट फॉल्टर्स इट मीन्स द प्रोडक्शन इज फॉल्टी, यू हैव फेल्ड टू टेल द स्टोरी। सो यहाँ पे मेरे को क्या बताया गया कि जो प्रोडक्शन है ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डैट इज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, और टेलिंग अ स्टोरी इज ऑल द गेम इन प्रोडक्शन। सो अगर आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, डैट मीन्स आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको उस स्टोरी को, उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप उस स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आप उस स्टोरी को प्रेजेंट करने में फेल हो गए, एंड दिस मीन्स कि आपको जो टेक्स्ट है जो कि आपने कितना भी अच्छी चीज़ लिखी हो बट वो लोगों पर वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी जो आप चाहते थे अगर आप उसे अच्छे से रीड, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो।
बिफोर ही लेफ्ट फॉर लंडन बनवीर हैड फाउंडेड हिंदुस्तानी थिएटर. तो उन्होंने जब वो लंदन से निकले तो उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर फाउंड कर लिया था, जो कि उनका ये चीज याद रखना है वन ऑफ इज इंडिया फर्स्ट सेमी प्रोफेशनल थिएटर पोस्ट इंडिपेंडेंस विद कुदसई जायदे इन दिल्ली. सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वन ऑफ द इंडिया का फर्स्ट सेमी प्रोफेशनल थिएटर था पोस्ट इंडिपेंडेंस. नाउ यू ऑल्सो हैव कि कुदसिया जायदा. सो उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट शी विल फंड ट्रांसलेट एडेप्शंस ऑफ 12 प्लेस जो कि रेडी है, बट उन्होंने कहा था कि जब वो ही रिटर्न फ्रॉम लंडन, जब वो लंडन से रिटर्न कर देंगे. उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था कि मतलब क्या क्या ट्रांसलेट करेंगे, डेट इज 3 संस्कृत प्लेस, सम ब्रेचिट्स एंड सम इप्सन्स एंड ऑल्सो एंड अ फ्यू अदर्स. हाउएवर आफ्टर जब वो 2 ईयर्स हो गए वर ओवर, जो तनवीर था उन्होंने सोचा कि मैं एक साल और लेता हूँ ताकि ट्रैवल कर सके यूरोप. एंड इस ट्रैवल में जो कि वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, ही हैड फ्यू एडवेंचरस, जब वो ट्रैवल कर रहे थे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप. सो उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी. ग्रेप पिकिंग इन फ्रांस, एक्सचेंजिंग अ छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग फॉर एन अल्जेरियन वन विद द अल्जेरियन मैन. सिर्फ कुछ चीज़ें उन्होंने करी जब वो कांवर थे इन यूरोप. तो उन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेट इज दिस वन, ग्रेप पिकिंग इन फ्रांस, एक्सचेंजिंग अ छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग फॉर एन अल्जेरियन वन. नेक्स्ट यू हैव इज तनवीर मेन ऑब्जेक्ट. तनवीर्स मेन ऑब्जेक्टिव इज वॉज टू गो टू मीट बर्टोल्ड ब्रेचिट इन बर्लिन, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ था, ब्रेचिट जो है वो उससे मतलब डाइट हो चुके थे अ फ्यू वीक्स बिफोर ही अराइव देयर, बट वो जब तक गए उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी. ब्रेचिट जो थे एक मेजर इन्फ्लुएंस था तनवीर का उनके ऊपर थ्रू आउट हिज करियर एज अ प्ले राइट, फ्रॉम अडॉप्टिंग ब्रेचिट स्टाइल ऑफ मिनिमलिस्ट स्टेज डेकोर. मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें उनसे सीखी थी. अब एक चीज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट मार्क करके, डेट इज ऑल्सो जो तनवीर है उनको ऑफर की गई थी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन पोलैंड, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था. एंड ये लाइन मैंने आपको शुरू में बताई थी, उन्होंने ये चीज रिफ्यूज कर दी थी. और क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड को जो है वो बना लिया था कि वो जो है इंडिया को वापसी जाएंगे. बिकॉज ही ट्रैवल्स हैड मेड हिम रियलाइज, उनको क्या रियलाइज हुआ था, ये चीज मेन है, कल्चरली ही बिलोंग टू इंडिया, कि कल्चरली जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं. और उन्होंने क्या बोला, If you are dealing with words and cultures, you belong where you came from. और अगर आप cultures and words पे believe करते हो और अगर आप उन पे belong करते हो तो आप जहाँ से आए हो उसी से जो है आपका main जो है मतलब life शुरू होती है और उसके पास आपको वापस जाना ज़रूर चाहिए. Ironically, तनवीर का जो European experience था वो ही उनको जो है वापस खींच कर लाया था कहाँ पर, India and mainly to छत्तीसगढ़. On his return, उनको जो है फिर से insist किया था कि वो director बन सके, director बन सके once again, but उन्होंने फिर से जो है कुछ problems उनके साथ थी तो उन्होंने मना कर दिया था. On his return to Delhi, उनका जो first play था जो उन्होंने produce किया था as a director of Hindustani theatre was मिट्टी की गद्दी, जो कि आपका है मृच्छकटिका इन संस्कृत. अगर आपने इसे भी रीड नहीं किया तो अभी आप आगे हो सकते हैं, मे बी सेकेंड और थर्ड सेम में मोस्टली होते टेक्स्ट, तब उस समय रीड कर लोगे. तनवीर जो है वो सोन रिलाइज करते हैं डेट द कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द संस्कृत थिएटिकल फॉर्म इन विच जो प्ले है वो पहले रिटर्न होता है, मतलब प्ले वॉज रिटर्न और उसको फिर अडाप्ट किया जाता है एज अ यूरोपियन थिएटिकल ट्रेडिशंस. सो कुछ कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं भी समझ आ रही है तो आप जो है उसको एक बार पॉज करके रीड कर सकते हो. जब उनको डिफरेंसेज लगने लगे, तनवीर वॉज फायर्ड फ्रॉम हिंदुस्तानी थिएटर बाय बेगम जैब, मतलब क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेज हो रहे थे तो उनको जो है हिंदुस्तानी थिएटर जो कि उन्होंने फाउंड वगैरह किया था उससे निकाल दिया गया था. उन्होंने ज्वाइन किया था. सो ही उन्होंने फिर ज्वाइन किया हैंड्स विद मोनिका मिश्रा एंड स्टार्टेड नया थिएटर विद 9 मेंबर्स इन 1959. और अब आती हूँ उनकी एज एन डॉटर वगैरह के सारे अपडेट्स वगैरह जो मैंने आपको बता रही थी इतने टाइम से. दैट इज फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ताकि वो इस नया जो मतलब उन्होंने नया थिएटर ओपन किया उसको वो अच्छा कर सकें, एक स्टेबल कर सके. उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, ही वर्कड फॉर अदर थिएटर ग्रुप्स एंड उन्होंने फ्रीलेंसिंग करी थी, फ्रीलेंस करा था उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट में. और तनवीर एंड मोनिका जो है वो थोड़ा टाइम बाद जब उनके मैरिज भी हो गई थी उन्होंने एक साथ शादी भी कर ली थी. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ स्ट्रगल तनवीर जो है बाय लक में भी उनका लक इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट धीरे धीरे उनको जो है अवार्ड मिलना शुरू हुआ. फर्स्ट उनको अवार्ड मिला 1970, मतलब फर्स्ट नहीं बट उनको अवार्ड मिलने शुरू हुए फिर, जो कि मिला था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड. और उनको जो है एंड वॉज आस्क्ड टू रिवाइव आगरा बाजार, उन्होंने फिर ये बोला गया था उनको कि वो आगरा बाजार को जो है फिर से रिवाइव करें. फॉर दिस उन्होंने अगेन जो है छत्तीसगढ़ी फोक एक्टर्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया और ताकि जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है प्ले वगैरह परफॉर्मेंसेज वगैरह लाइक कंडक्ट करवा सकें. हाउएवर जो तनवीर थे वो स्टिल जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक एंड्स मीट, क्योंकि उनकी जो डॉटर थी विद अ डॉटर
नागिन तनवीर, उन्होंने इसका नाम रखा था ताकि वो मतलब उसको खाना वगैरह वगैरह भी दे सके सब कुछ। इन 1972 ड्यूरिंग अ रफ फेज इन हिज लाइफ उनको नॉमिनेट किया गया था एज टू द राज्यसभा एज एन एम पी बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, एंड इनका ईयर हमने पढ़ा था 1972 से आगे तक। सो नाउ इट्स 1973, लाइक अब आगे हमारे पास पार्ट थ्री, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट थ्री में ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या फिर भी कुछ कुछ तो इंपॉर्टेंट हो गई। सो फर्स्ट थिंग इज बाय 1973 तनवीर जो है वो वर्क कर रहे थे ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द छत्तीसगढ़ी फोक एक्टर्स इन हिज ऑल हिज प्रोडक्शंस। जो फोक एक्टर्स थे वो उस समय बिलीव नहीं करते थे और वो एक्सेप्ट नहीं करते, नो कॉन्सेप्ट था उनके उस समय प्लगैरिज्म का। कुछ फोक एक्टर्स ऐसे भी थे जो कि परफॉर्म करते थे नाच ग्रुप का, मतलब कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह करते थे। इनिशियली क्या हुआ था, अब ये चीज आपको याद रखना कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि तनवीर के जो वर्क को जो था खुद परफॉर्म किया और अपनी प्रोडक्शन उसे बता दिया। इनिशियली तनवीर को बहुत ज्यादा इस चीज से हर्ट हुआ क्योंकि उन्हें ये लगा था कि उन्होंने सोचा कि अब मैं जो इनको कोर्ट में ही देखूंगा और कॉपीराइट इश्यूज के लिए मैं इनके ऊपर कोर्ट पे केस वगैरह करूंगा। बट उनके एक फ्रेंड थे दैट इज हैदर अली वकील, सो आई थिंक ये वकील ही होंगे तभी इनका नाम ऐसा हैदर अली वकील। सो उन्होंने एडवाइस किया कि तुम एक काम करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट तुम पंचायत में जाओ एंड वहां पे उन्हें कन्फ्रंट करो डायरेक्टली। रिमाइंडिंग कि तनवीर जो है अब एक सिर्फ प्लेराइट नहीं थी बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। सो तनवीर ने ये चीज की एंड वो मतलब इजीली जो है इस इशू को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर पाए। एंड उनको उन्होंने ये भी रियलाइज करा दिया था जो मतलब जिन्होंने इस चीज को करा था मतलब गलत काम किए थे उनको ये रियलाइज करा दिया था डेट दे आर रॉन्ग, एंड उन्होंने ये एक्सेप्ट करा था डेट ही नेवर अगेन हैड ट्रबल्स विद अदर नाच ग्रुप्स। तो उनको उसके बाद कभी भी वो नहीं हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी एंड उनको राइटफुली जो है वो क्रेडिट्स वगैरह भी मिलने लगे थे। फ्रॉम 1970 टू 1973 तनवीर जो है एक्सपेरिमेंट करने लगे थे विद छत्तीसगढ़ी फोक प्लेस मोस्टली कॉमेडीज वगैरह में एंड सम स्टोरीज जो है उन्होंने उसमें भी करी थी महाभारत वगैरह में एंड उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था सॉन्ग एंड डांस फ्रॉम टेम्पल रिचुअल्स। नाउ वी हैव तनवीर नेक्स्ट बिग सक्सेस। सो ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है बट या इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये पूरा टेक्स्ट समझ आए। सो तनवीर का जो नेक्स्ट बिग सक्सेस थी वो थी गांव का नाम ससुराल मोर नाम दमार। सो आई थिंक ये इसका सेम ही नेम है, मतलब एक ही टेक्स्ट है ये। देन मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट बता दिया लिस्ट, तो ये चीज स्किप कर सकते हो आप कि ये दोनों मतलब ये चीज आपको याद रखनी है कि दोनों सेम ही टेक्स्ट है 1973 में जो कि प्रोड्यूस हुए। ये जो प्ले है मेनली रिजल्ट करता है फॉर अ मंथ लॉन्ग वर्कशॉप इन रायपुर इन 1973 फॉर नाच ग्रुप्स एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दिस वॉज वेयर ही फाउंड हिज बेस्ट एक्ट्रेस, यहाँ पे उन्हें कौन मिला था उनकी बेस्ट एक्ट्रेस दैट इज फिदाबाई ड्यूरिंग एन ऑडिशन। 1974 में जो है तनवीर को प्रोड्यूस किया, तनवीर ने प्रोड्यूस किया चरणदास चोर एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज करियर क्योंकि उससे में उनको क्या मिला था एक अवार्ड वगैरह भी मिले थे दैट इज आई थिंक फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड। सो इसके बाद यस ही उनको जो सक्सेसफुल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था छत्तीसगढ़ी एज अ लैंग्वेज फॉर मॉडर्न प्ले क्योंकि इनके मतलब अब हम जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी एज अ प्रेफर कर सकते प्लेज वगैरह में विद ओनली फोक आर्टिस्ट इन हिज थिएटर कंपनी। नेक्स्ट वी हैव इज दिस वन, तनवीर ने जो है ऑलवेज यूज किया था मिनिमल स्टेज डेकोर क्योंकि वो चाहते थे कि ताकि जो किसी भी परफॉर्मेंसेज वगैरह में जो हिंड्रेंस ना हो किसी भी परफॉर्मेंसेज वगैरह में हिंड्रेंस ना हो एंड ताकि वो अडेप्ट कर सके एक डिफरेंट स्पेस वेर एवर दे परफॉर्म। उन्होंने ये भी करा था मतलब जो प्ले था तनवीर अडेप्ट किया था उन्होंने स्टेज वेयर थीमेटिकली वाइड रेंजिंग मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें अडेप्ट कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्ले है वो डील करता है प्रेजेंट टाइम से ओवर द ईयर्स ही वॉज रिटन मतलब उन्होंने बहुत सारे रिटन प्लेज वगैरह लिखे थे सोशल इश्यूज पे लाइक कास्टिज्म करप्शन जेंडर इशू एंड प्लेज दैट स्प्रेड अवेयरनेस मतलब उन्होंने बहुत सारे काम वगैरह किए थे इस चीज के ऊपर सोशल अवेयरनेस के ऊपर एंड सोशल क्रिटिसिज्म वगैरह इन सब के ऊपर सोशल इश्यूज के ऊपर। देन वी हैव हिज एनालिसिस आई थिंक आप खुद रीड कर सकते हो, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देती हूँ जो कि मैंने मार्क कर रखी है उसे आप खुद रीड कर लेना। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको मार्क कर रखा है ऑलमोस्ट जो कि उनके प्लेस थे वो टीच करते हैं एक सोशल मैसेज और वो कुछ सोशल मैसेज उन्हें देते हैं। कॉमेडी जो है एक मतलब इसके बारे में बताया गया है यस दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट एट लास्ट उनके लिए क्या हुआ था जो कॉमेडी है एक नॉट जस्ट एक लाफ है बट एक सोशल कमेंट्री है लाइक उससे जो है वो सोशल मैसेज वगैरह भी लोगों को दे सकते हैं एंड वो सोशली अपील वगैरह भी कर सकते हैं। देन यू हैव दिस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट लाइक जब भी आपको कोई परफॉर्मेंस करनी है तो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई ड्रेस वगैरह चाहिए कोई पर्टिकुलर डेकोरेशन चाहिए बट वो ये कहते थे कि आपकी लाइंस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए दैट इज कि आपका इम्पैक्टफुल होना चाहिए जो आप बोल रहे हो एंड उन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया था कि आप जो बोल रहे हो वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए
एंड यू शुड नो कि आप कैसे किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो. देन तनवीर ने जो रिजेक्ट करते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज. सो तनवीर जो रिजेक्ट करते हैं एलिटिज्म एलिटिज्म इन आर्ट इन फेवर ऑफ वन दैट इज एक्सेसिबल टू मासेस. एंड उन्होंने ब्रॉक किया था बैरियर्स लाइक रिलीजन लैंग्वेज हायर लो कल्चर विद हिज वर्क. एंड उन्होंने क्रिएट करी थी नी स्पेस फॉर फोक थिएटर. सो इसी के साथ वी एंड दिस वीडियो हेयर ओनली. एंड पूरा टेक्स्ट आपको इसमें कवर हो गया है. अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ ही सकते हो. बाकी यस, एक बार वीडियो को पॉज करके सारा टेक्स्ट रीड कर लेना. वीडियो थोड़ी सी तो बड़ी है बट यस यू हैव टू एडजस्ट दैट थिंग. एंड कोई भी और प्रॉब्लम है या किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो सो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में. मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई कि आपकी मेरी कोई भी वीडियोज है वो पार्ट्स में ना हो. सो इसी की वजह से जो आपको बड़ी बड़ी वीडियोज देखने को मिलती है. सो स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.